हाय माय यूट्यूब फैमिली, होप यू आर डूइंग गुड। आज हम बनाने जा रहे हैं दही भिंडी, या आप इसे मसाला भिंडी भी कह सकते हो। बहुत सिंपल रेसिपी है, खाने में भी बहुत डिलीशियस है, काफ़ी चटपटी रेसिपी है, आपको खाने में बड़ी अच्छी लगेगी। अगर आप रोज़ की भिंडी बना कर बोर हो गए तो इस रेसिपी को एक ट्राई ज़रूर देना। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बर्तन में तेल डाल दिया है। तेल को हम गरम होने देंगे, तब तक हम भिंडियों को धो के ले लेंगे और कपड़े से पोंछ कर उसे सुखा लेंगे अच्छी तरह से। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने भिंडी को ऐसे कट कर लिया है साइड्स से, और बीच में से काट के इसके दो टुकड़े कर लिए। इसी तरह हमें भिंडी सारी काट लेनी है। ये लगभग 100 ग्राम जितनी भिंडी होगी। तो अब इसे हमें तेल में हमें डाल देंगे इसे, और इसे फ्राई करेंगे जब तक भिंडी अपना कलर ना चेंज कर ले। तेल में भिंडी फ्राई करने से भिंडी स्टिकी नहीं होगी और अच्छी बनेगी। तो हम इसे तेल में हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़ा कलर चेंज ना कर ले। लगभग 3 से 4 मिनट हम भिंडी को तेल में फ्राई कर लेंगे। अब सारी भिंडी को हम निकाल लेंगे। ज़्यादा ऑयल अगर आप स्ट्रेन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मली आपको बस भिंडी को बाहर निकाल लेना है, किसी भी प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे हम। यहाँ पर अब मैंने एक मीडियम साइज का कांदा, एक टमाटर, 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा धनिया लिया है। अब तेल में हम 1/2 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। जैसे ज़ीरा स्प्लटर होने लग जाए उसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर उसमें हम 2 हरी मिर्चें डाल देंगे। अब इसमें हम कांदा यानी प्याज ऐड कर लेंगे और प्याज को अच्छी तरह से हम पका लेंगे जब तक अदरक लहसुन का रॉ स्मेल ना चली जाए। तब तक हम प्याज को अच्छी तरह भून लेंगे और प्याज का रंग थोड़ा चेंज ना हो जाए। देख सकते हो प्याज का कलर चेंज होने लग गया है, हल्की हल्की प्याज सॉफ्ट हो गई है। तो अब इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लिया है। हम सारे मसालों को हम तेल में डालेंगे और अच्छी तरह से हम मसालों को भून लेंगे। अब ये मसाले भून जाए तो उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। अब इस स्टेप में हम टमाटर ऐड कर लेंगे। अब टमाटर को ऐसे खड़े काट के डालना, इससे टमाटर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं और ज़्यादा आपको पकाने भी नहीं पड़ेंगे। अब यहाँ पर मैंने टमाटर इसमें डाल दिया है। अब इसे ढककर 5 मिनट तक हम रख देंगे जब तक टमाटर मेल्ट ना हो जाए। अब देख सकते हो टमाटर ऑलमोस्ट मेल्ट हो गए हैं, अच्छी तरह से मिल गए हैं, अच्छी ग्रेवी जैसी बन गई है थिक। तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो दही ली है वो ज़्यादा खट्टी नहीं है, पर अगर आपकी दही खट्टी है तो आप टमाटर अवॉइड कर सकते हो और मसाले डालने के बाद डायरेक्ट दही ऐड कर सकते हो। पर ऐसे भी बहुत
डिलीशियस लगती है। तो अब देख सकते हैं यहाँ मैंने लगभग एक कप जितना दही ऐड कर लिया है। और दही को अच्छी तरह से हमें फेंट लेना है चम्मच की हेल्प से, और फिर स्लो गैस को स्लो करके दही इसमें ऐड कर लेंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह हमें मिला लेना है। अगर आप चाहो तो इस स्टेज पर भी भिंडी ऐड कर सकते हो, पर मुझे थोड़ा सा ग्रेवी टाइप बनानी है तो मैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर रही हूँ। गर्म पानी ऐड करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और जैसे इसमें थोड़ा सा बॉईल आने लग जाएगा इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे अपने स्वाद अनुसार। अब यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून जितना सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने हिसाब से डालना। अब हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, तो इसमें हमने जो स्टार्टिंग में भिंडी फ्राई की थी वो ऐड कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ढक कर लगभग 5 से 7 मिनट तक हम पकाएंगे और फिर गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। इसे किसी भी रोटी वगैरह के साथ आप सर्व के लिए काफ़ी टेस्टी लगती है, खाने में बहुत चटपटी है। और इसे ढकने के पहले हम इसमें 1 टीस्पून जितना कसूरी मेथी ऐड कर लेंगे और थोड़ी सी कटी हुई धनिया, और इसे फिर मिलाकर हमें 5 से 7 मिनट तक ढककर पकाना है। अब यहाँ हमारी दही भिंडी एकदम रेडी हो गई है, दिखने में भी बहुत यम्मी लग रही है। तो अब इसे आप किसी भी रोटी, रुमाली रोटी, नान, पाव जिससे साथ खाना चाहते हो उसके साथ खाइएगा, बहुत यम्मी लगती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट करना, नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ताकि जब भी हम रेसिपी अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो टेक केयर, बाय बाय।